कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गजा में जंगबंदी पर वोटिंग में हिंदुस्तान की गैर हाजिरी पर हैरत का इजहार किया और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो कोई भी मौकफ अख्तियार करने से इनकार कर रहे हैं और खामोशी से हर कानून को देख रहे हैं। फलस्तीन में इंसानियत को तबाह किया जा रहा, ये उन इकदार के खिलाफ है जिन पर हमारा मुल्क कायम रहा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मुल्क अदम तशद्दुद और सच्चाई के उसूलों पर मबनी है और वो हिंदुस्तान के खिलाफ जुर्रत की नुमाइंदगी करते हैं जिसने बैन अल-अक़वामी बरादरी के रुकन के तौर पर इसके इकदामात की रहनुमाई की है। एक्स साबिका ट्विटर पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देती है। महात्मा गांधी, मैं हैरान और शर्मिंदा हूँ कि हमारे मुल्क ने गजा में जंगबंदी के हक में वोट नहीं दिया। हिंदुस्तान के उसूलों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क की बुनियाद अदम तशद्दुद और सच्चाई के उसूलों पर रखी गई थी। वो उसूल जिनके लिए हमारे आजादी पसंदों ने अपनी जानें निछावर की, ये उसूल आईन की बुनियाद है जो हमारी कौमियत का तयन करते हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वो हिंदुस्तान के अखलाक जुर्रत की नुमाइंदगी करते हैं जिसने बैन अल-अक़वामी बरादरी के रुकन के तौर पर इसके इकदाम की रहनुमाई की।